पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। सुनिए दरवाजा खोलिए प्लीज, मैं सच बोल रही हूँ। क्या कह रही थी वो चिपकली? कि यहाँ सांप है। मैंने कॉकरोच कहा तो वो सांप बोल रही। मतलब कल मैं बोलूंगा कि रूम में चूहा है तो वो बोलेगी कि रूम में शेर है। मुझसे दो कदम आगे। अच्छा मैंने उस झूठी की बात नहीं मानी। सांप क्या, यहाँ पर तो एक मच्छर भी नहीं दिख रहा। सुनिए अंदर, अंदर सांप है, प्लीज मेरी बात सुनिए। सुनिए दरवाजा खोलिए प्लीज, मैं सच बोल रही हूँ। सब ड्रामा है इसका। दरवाजा खोलने को कह रही है ताकि ये अंदर आ जाए। सोच रही होगी ना, मैंने अंदर से लॉक कर लिया तो अब इसे बाहर सोना पड़ेगा। अच्छा है, बाहर ही रहे। आज रूम से बाहर है, कल घर से बाहर होगी। यस। आज मैं अपने रूम में और अपने बेड पर आराम से सो। आज अपना रूम कब से मिले है, कल पूरा घर लूंगा और इसे ऐसे ही बेवकूफ बना के घर से निकाल दूंगा। क्या करूं, आज बड़े दिनों बाद अच्छी नींद आएगी। बस अब इस नींद की आदत डाल ले और वो चिपकली बाहर रहने की आदत डालेगी। हो गया, बस आज रात उसका वेकेशन पूरा, छुट्टियां खत्म, गो होम। शरीफ लोग बंद करके सोते, तुम्हारी तरह नहीं, ये दरवाजा खोल के सोते। और उन्होंने दरवाजा इसलिए बंद किया होगा ताकि तुम अंदर आकर उन्हें डिस्टर्ब मत करो। लेकिन नहीं, तुमने तो हमें, हम सबको यहाँ पर डिस्टर्ब करने की सोची हुई है। नहीं, मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि वो अंदर है। मैं क्या करूँ, मैं उन्हें अंदर अकेला थोड़ी छोड़ सकती हूँ। तो आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मिस्टर स्नेक्स, अब क्यों मेरे पीछे पड़े? अब चाहिए ना अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते जाता हूं। जाओ, ओके। क्या करूं, कैसे हटाओ इस सांप को सामने से? कहां फंस गया यार, ये सांप आया कहां से? मुझे उस चिपकली की बात मान लेनी चाहिए थी, वो सच बोल रही थी कि अंदर सांप है। क्या यार, क्या किस्मत है मेरी। लेकिन आप क्या करो, अब वो तो वहां बाहर है विद फैमिली और मैं यहाँ विद मिस्टर स्नेक्स। वो वहां से और मैं यहाँ विद मिस्टर स्नेक। क्या करो, क्या करो, कैसे इसे भगाऊं? हाँ, मैं गाना गा सकता हूँ। फिल्मों में देखा है मैंने कैसे ये सपेरे की धुन में नाचते हैं।
हो सकता है मेरी किसी धुन पे ये नाचने लगे और मैं इसे बाहर भेज दूं। नहीं नहीं, आपको पता है कि आप एक रॉकस्टार के घर आए हैं ना, गाना सुनना है आपको, करेक्ट? मिस्टर स्नेक्स, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा गाना पेश करता हूँ। अरसे है, चलेगा? अरसे, मन डोले मेरा, तन डोले मेरा, दिल का गया करार रे, होन बजाए बांसुरी। कुछ सुनाई दिया क्या? हाँ, अभी गाना गा रहा है। अभी गाना क्यों गा रहा है? अरे गाना क्यों गा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ना वो सांप को भगाने के लिए गाना गा रहा है। ये हो सकता है कि उसे पता ही ना हो कि कमरे के अंदर सांप है। शायद ऐसा ही होगा कि वो सांप को भगाने के लिए गाना गा रहा होगा। अभी अभी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? तो देखो, तुम जो गाना गा रहे थे ना, वो गाना मत गाओ। तुम उससे सांप नहीं जाएगा। मैं बताती हूँ कौन सा गाना गाना है। तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना। नहीं, अच्छा ये गाना नहीं, वो जो दूसरा वाला गाना था ना, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तो मेरा, मैं नागिन तुझसे। आप हटिए इधर, दिमाग खराब हो गया आपका? अंदर भाई है, आप नहीं है जो ये सारे गाने गाएंगे अंदर। चुप रहो, बात करने दो मुझे। भाई आप ना ज्यादा आवाज मत करिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था ना, अपने वो मैगजीन में पढ़ा था ना, अगर आप आवाज करेंगे ना तो सांप का ध्यान आपके ऊपर जाएगा। आप तो सुन नहीं पाता ना। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? सांप के कान होते क्या? सांप सुन सकता है क्या? अरे वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होती है ताऊ जी। सुनिए, ये कोई आवाज क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं अंदर अंदर क्या हुआ होगा। वो बहुत घबराए हुए होंगे। कुछ बोल ही नहीं रहा वो। अब एक बार ट्राई कर। अभी तुम ठीक हो ना? कुछ तो बोलो प्लीज, हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सब 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 ठीक है ना? अभी बोलना मैं कहीं सच में काट लिया हो। तनु तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ अच्छा नहीं बोल सकती, तो बुरा मत बोलो। कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें, वो ठीक है। मैं कुछ नहीं होने दूंगी उन्हें। मुझे अंदर जाना होगा। ये मुन्नी तो बिल्कुल प्रज्ञा की तरह कर रही है। जिस तरह प्रज्ञा अभी को मुसीबत में नहीं देख पाती थी, उसी तरह ये भी नहीं देख पा रही है। देखो फालतू में नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को भी फिक्र, अंदर कैसे चली जाओगी तुम? क्या कर लोगी यहाँ? अपने आप को सुपर वूमन समझ के रखा है, तो दरवाजा तोड़कर जाओगी या बालकनी से उड़कर जाओगी? तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी तुम्हें ना कुछ बोलना है ना समझाना है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं यहाँ चुपचाप नहीं खड़ी रह सकती। मुझे शट अप, ओके? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, और वो भी हम लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। दासी, आप इसके झांसे में बिल्कुल मत आना। मुन्नी आई है। मुन्नी आलिया, देखो तुम्हें जो बोलना है बोल सकती हो तुम, लेकिन बात मैं तुम्हें इस वक्त कुछ बोलना या समझाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, और मैं कुछ भी करके अंदर जाऊंगी और मैं उन्हें बचाऊंगी। उन्हें कुछ क्यों नहीं पुत्र? कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता हूँ। कोशिश तो करनी पड़ेगी। संभल के ताऊ जी प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।